मौत से पहले सुकून तलाशने ऋषिकेश गई थी श्रद्धा। पवित्र गुफा में दर्शन किए, गंगा किनारे बैठकर सूर्यास्त देखा। लौटकर आई तो आफताब ने मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर की बेरहमी का शिकार हुई श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि प्रताड़ना से परेशान श्रद्धा वॉकर पहाड़ों में घूमने गई थी। कई दिनों तक पहाड़ों में विचरण करने के बाद ऋषिकेश के गंगा किनारे बैठकर सूर्यास्त को देखा था। मौत से 14 दिन पहले श्रद्धा घूमने के लिए ऋषिकेश गई थी। उसने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाकर अपलोड की थी। घूमने की शौकीन मुंबई की श्रद्धा की ये आखिरी ट्रिप साबित हुई और फिर उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, साथ ही इस मर्डर मिस्ट्री से लगातार कई नई बातें सामने आ रही हैं। इस केस में पुलिस के सामने जो बातें आई हैं उसमें एक खास बात ये भी सामने आई है कि श्रद्धा और आफताब इस हत्याकांड से पहले उत्तराखंड और हिमाचल गए थे। उत्तराखंड में जिस जगह की श्रद्धा केस से जोड़कर सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं वो है ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर गंगा किनारे स्थित है, जो कि देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों के लिए भी खास जगह है। दिल्ली में लिव इन पार्टनर आफताब की बेरहमी का शिकार हुई श्रद्धा वाकर हत्या से 2 हफ्ते पहले ही ऋषिकेश घूमकर आई थी। श्रद्धा ने इसी जगह एक इंस्टाग्राम रील बनाकर अपलोड किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसमें श्रद्धा गंगा किनारे बैठी दिखाई दे रही है। सोमवार को श्रद्धा हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी आफताब ने भी जो खुलासे किए उससे सभी दंग रह गए। देखते ही देखते श्रद्धा हत्याकांड मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इस बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो इंस्टाग्राम पर श्रद्धा की आखिरी रील दिखी। ये ऋषिकेश में बनाई गई थी और 4 मई को इसे अपलोड किया गया था। इसमें श्रद्धा गंगा किनारे बैठी दिखाई दे रही है। रील के साथ श्रद्धा ने जो कैप्शन लिखा है उससे पता चलता है कि वो घूमने की बेहद शौकीन थी। कैप्शन में लिखा, मैंने रील बनाने की कोशिश की। 1500 किलोमीटर की यात्रा के बाद मैंने अपने दिन को सूर्यास्त के साथ खत्म करने का फैसला किया। मैं वशिष्ठ गुफा में के गंगा तट पर गई। किसे पता था कि मैं गंगा घाट पर ऐसे बैठकर यहां की सुंदरता निहारते हुए समय व्यतीत करूंगी। इससे साफ होता है कि श्रद्धा ऋषिकेश स्थित वशिष्ठ गुफा और उसके आसपास गई थी। इस जगह को अब पुलिस के साथ मीडिया में भी सर्च किया जा रहा है, जिससे श्रद्धा के आखिरी पलों को और आखिरी दिनों को खंगाला जा सके। ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा की यह जगह आध्यात्मिक दुनिया में काफी पसंद की जाती है। ये गुफा ध्यान के लिए एक प्रमुख स्थान है और यहाँ गुलर के पेड़ों के बीच में स्थित है। गुफा के बारे में हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाने वाला एक शिवलिंग भी है। बताया जाता है कि विख्यात हिंदू संत और श्री स्वामी पुरुषोत्तमानंद इस स्थान पर 1928 और 1961 में आए थे। उनका आश्रम गुफा के पास स्थित था। दावा है कि इसमें एक गुफा 3000 साल से ज़्यादा पुरानी है। यह भी मानता है कि ये जगह भगवान राम के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ का निवास स्थान थी। कहा जाता है कि पहले ये गुफा आगे भी जाकर खुलती थी, लेकिन अब ये गुफा अंदर से बंद कर दी गई है। ये जगह सड़क के रास्ते से जाता हुआ छोटा सा एक आसान ट्रैक है। गुफा के अंदर एक शिवलिंग की पूजा की जाती है। मंदिर के ठीक बगल में एक रास्ता सफेद रेत से ढके एक विशाल कंकड़ वाले समुद्र तट की ओर जाता है। अरुंधति गुफा भी इसी समुद्र तट पर स्थित है। बता दें कि श्रद्धा जैसे ही ऋषिकेश से लौट कर आई, उसका आरोपी दोस्त आफताब से उसका झगड़ा होने लगा। इसी में आफताब ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर अलग अलग स्थान पर जाकर दफन कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या की और उसके आरी से 35 टुकड़े करके अपने घर में रखे। टुकड़ों को सुरक्षित और गंध न आए इसके लिए आफताब ने एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा था। आफताब ने कत्ल के बाद एक रणनीति के तहत वारदात को छिपाने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रहा। परिजन अगर श्रद्धा की खोजबीन न करते तो पुलिस के हाथ कभी न चढ़ता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।